हम लोग जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे उसको 12 बजे रात में जरूरत हो या 12 बजे दिन में जरूरत हो। कभी भी कोई एक कॉल करता है, मिस कॉल भी करता है, तो उसको हम लोग वापस करते हैं, उसकी समस्या को देखते हैं जाके और उसका समाधान करते हैं। सड़क का जाल हमने पंचायत में बिछा दिया है, कुछ ऐसा काम है जो रह गया है उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। अभी हम त्रिवेणीगंज के पिलवाहा पंचायत में हैं और यह मुखिया जी का दरवाजा है। सामने आप देख रहे होंगे भव्य मंदिर बना हुआ है, मुखिया जी ने अपने दरवाजे पर ही मंदिर बना रखा है। कुछ कार्यकर्ता है सामने बैठे हैं और मुखिया जी भी कुर्सी पर बैठे हैं। कई मुद्दों पर बात होगी और बात इस चीज की भी होगी कि पिलवाहा पंचायत में कि 5 सालों में क्या विकास हुआ है और विकास के पैमाने पर देखें तो पंचायत को किस स्तर पर देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कामत। अभी मेरी पत्नी प्रत्याशी है संगीता देवी। 5 साल आपकी मम्मी रही जी। अगर देखा जाए तो 5 सालों में आपके पंचायत में क्या विकास हुआ? मेरे पंचायत में बहुत सारा विकास हुआ। लगभग गली नली सात निश्चय योजना जो चला उससे मेरे पंचायत में पूरे प्रखंड में ये पंचायत क्षेत्रफल के दृष्टि से सेकेंड पोजिशन पे है। 17 वार्ड है मेरे यहाँ और मेरे यहाँ महादलित की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और सड़क की व्यवस्था यहाँ बहुत कम था। मेरे मुखिया बनने से पहले, माँ जो मुखिया बनी उससे पहले सड़क का व्यवस्था बुरा हाल था। हमारे वार्ड में एक 15 नंबर वार्ड है पंचायत में और 17 नंबर वार्ड है, वहाँ पैदल चलना लोगों का मुश्किल था। वहाँ पे हमने रोड बनवाया 15 नंबर वार्ड में। इसके बाद 17 नंबर वार्ड में जहाँ महादलित बस्ती है वहाँ पे भी बहुत स्थिति खराब थी। जो सड़क हम बनवाए वहाँ पे स्वच्छता के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा काम किए। मेरे मुखिया बनने से पहले 5% लोगों को शौचालय था और अभी सबसे पहले इस प्रखंड में हम अपने पंचायत को ODF घोषित किए थे और उस समय हमारे अनुमंडल पदाधिकारी विनय बाबू थे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सहयोग भी किए थे और शाबाशी भी दिए थे कि मुखिया जी आपने इस तरह का काम इतना कम समय में करके दिखाया। युवा है, युवा की सोच रखते हैं और देखा जाए तो इस बार युवाओं को ज़्यादातर मौका दिया जा रहा है, तो युवाओं के लिए खास क्या करेंगे अपने पंचायत के युवाओं के लिए? पंचायत के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर हम सृजन करेंगे। पंचायत में चाहेंगे कि रोजगार की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहाँ पे त्रिवेणीगंज में ये है PHC है आप लोगों का, तो यहाँ लोकल में कुछ ऐसा है पंचायत लेवल का जहाँ पे लोगों का इलाज हो पाए या ऐसा कुछ? बहुत अच्छी बात आप पूछे। बहुत कष्ट होता है यदि कोई बीमार होता है तो उसको त्रिवेणीगंज जाना होता है या सुपौल जाना होता है। इस क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था जो होना है उसको हम अपने पंचायत में करेंगे। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पंचवर्षीय में यदि हम जीत के आएंगे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर बनवाएंगे। ये एक वादा हो गया, ये मेरा वादा है कि जनता हम पे विश्वास करे, हमको जिताए, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवश्य निर्माण करवाएंगे। अभी समय है पंचायत सरकार भवन का, बहुत सारे पंचायत में बना है, मेरे यहाँ कुछ कारणवश नहीं बना है। अफसोस है कि हम 5 साल मुखिया रहे नहीं बन पाया। इस बार मेरा लक्ष्य है कि पंचायत सरकार भवन यदि हम जीते तो उसको बनवाएंगे। कुछ कारण था इस वजह से नहीं हो सका, उसको बनवाएंगे। और पंचायत सरकार भवन से बहुत ज़्यादा लोगों को सुविधा मिलती है, जैसे जाति आवासीय आय किसान सलाहकार हो गया, पंचायत सचिव हो गया, रोजगार सेवक हो गया, ये सारे लोग वहाँ बैठता है। समझ लीजिए कि ये एक ब्लॉक हो गया, मिनी ब्लॉक हो गया। तो उसका व्यवस्था हम प्राथमिकता के तौर पर करेंगे और पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाएंगे। सड़क का जाल हमने पंचायत में बिछा दिया है, कुछ ऐसा काम है जो रह गया है उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। ये सामने मंदिर देख रहे हैं, जनता से चंदा लेकर ये मंदिर कि आपने खुद बनाया है, कब बनी ये मंदिर? ये हमारे दादाजी थे उस समय में जीवित थे और वही बनवाए। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बहुत अच्छे थे। मंदिर कौन सा मंदिर है? ये राम जानकी मंदिर है जी। और इससे पब्लिक को भी सुविधा होती है, आते हैं सारे लोग अपना पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे। हम लोग जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे उसको 12 बजे रात में जरूरत हो या 12 बजे दिन में जरूरत हो। कभी भी कोई एक कॉल करता है, मिस कॉल भी करता है, तो उसको हम लोग वापस करते हैं, उसकी समस्या को देखते हैं जाके और उसका समाधान करते हैं। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं
जो पैसे पे दारू पर जातिवाद कर कर वोट को बटोरने का काम करते हैं। देखिए हम इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं, जनता मेरे साथ है, जनता का विश्वास मेरे साथ है, हम उनका काम किए हैं, समस्या को देखे हैं, उसका समाधान किए हैं। कुछ भी कर ले विरोधी, वो उसका चलने वाला नहीं है, नहीं उसका जातिवाद चलेगा, नहीं उसका दारू पैसा का खेल चलेगा। जनता मेरे साथ है, जनता को विश्वास है कि दीपक कामत मेरा काम कर सकता है और हम उसके विश्वास पे खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। हम जनता से अपील करेंगे कि सड़क बिजली पानी के क्षेत्र में हम बहुत सारा काम किए और सड़क का जाल तो बिछा ही दिए हैं। मेरे यहाँ जल नल का काम भी 100% है। अभी पूरे प्रखंड में एक नंबर पे मेरा पंचायत है कि जल नल का जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सारे लोगों को सुविधा मिल रहा है और मिल रहा है। जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वह मेरे साथ आए चुनाव में, हम पे जिस तरह से पिछले पाँच वर्षीय में विश्वास किए हैं, इस बार भी वह विश्वास जताए, हम उस पे खरा उतरेंगे। जो काम बच गया विकास का काम, देखिए निरंतर चलते रहता है। ये जो कहेंगे कि विकास का काम खत्म हो गया अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ये हो रहा। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है इस बार स्वास्थ्य शिक्षा आवास। जो बचे हुए काम है आगे 5 साल में करेंगे, विकास तो किए ही हैं और जो छूट गया है छोटा मोटा काम हो या बड़ा मुद्दा हो, पंचायत सरकार भवन बनवाएंगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा पंचायत में और कई ऐसी बातें हैं जो मुखिया जी जीतने के बाद करेंगे। फिलहाल हमारे चैनल पर बने रहें।